नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। 2 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर अंतरिम स्टे की मांग करने वाली याचिका की मांग को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के साथ ही इस मामले में शामिल अन्य नोटिस जारी किए हैं। बच्चों पर वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी बायोटेक कंपनी को देने के डीसीजीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी। बीती 13 मई को डीसीजीआई ने भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन के मामले में यह मंजूरी दी थी। इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल बच्चों पर किए जाने हैं, जिन्हें मंजूर करने केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की। याचिका में यह मांग की गई थी कि वैक्सीन के परीक्षण के लिए उन बच्चों या उनके परिवार के साथ किए गए अनुबंध परीक्षण के लिए तैयार सभी 525 बच्चों की सूची और उनके परिजनों की जानकारी दी जानी चाहिए। याचिका दाखिल करने वाले संजीव कुमार ने कहा, चूँकि ट्रायल के कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि यह वॉलेंटियर आधार पर होगा, इसलिए यह मामला गंभीर है।